सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब को मेरी तरफ सलामुअलैकुम। मैं हुसैन बोल रहा हूँ मैरीलैंड से। जी माशाल्लाह आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखा भी है और सीख भी रहे हैं। अल्लाह ताला आपके प्रोग्रामों को ऐसे ही चलाए और आप सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छा मेरा, मैं हुसैन मैरीलैंड के मरीज बोल रहा हूँ इनका। मेरे ना एक महीने से शोल्डर और बाजू में सख्त दर्द है, मेरे मसल सख्त हो गए, तो उसके लिए दुआ करानी थी। वैसे तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, दुआ करानी थी। दूसरा यह है कि नफ्स हमारा जो है ना, उससे बचने के लिए अगर कोई वजीफा बता दे कि नफ्स हमारा जो है ना वो लैंड पे दे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हुसैन साहब। जी हजरत से आपकी बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह हुसैन साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आप हमारे मुरीद हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमारे मजामी से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, और यही हमारा मकसद है कि दुनिया भर के अंदर लोगों को जो हमारे मजामी से, हमारे इल्म व इरफान से नफ़ा पहुंचे, जो हमने अपने मशायख सिलसिला से और उनकी जूतियों के सदक़े सीखा है। और यही दर्द है, अलहमदिल्ला आप लोगों को जब फीडबैक आता है तो हमें बड़ी मसरत होती है। अल्लाह ताला आपको जो है खूब बरकत अता फरमाए। बाकी जहाँ तक आपकी जो है नफ्स अम्मारा का मामला, नफ्स अम्मारा के लिए अभी मैंने दुआ बताई, अल्लाह वाक़ियतन का वाक़ियतुल वलीद, ए अल्लाह मुझे तो इस तरह बचा जैसे मासूम बच्चे को बचाते हैं। तो गोया कि अपने आप को मासूम बच्चा बना के खुदा की गोद में दे दिया, तो इंशाल्लाह अल्लाह की गोद जो है ऐसी है कि वो इंशाल्लाह जो है वो किसी, कोई बाल बेका नहीं कर सकता, कोई नफ्स शैतान उसके करीब नहीं लग सकता। तो ये जो दुआ है ये 41 टाइम सुबह को फजर के बाद 41 टाइम ये दुआ पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम ही पढ़ें और पढ़ के अल्लाह से दुआ आफियत कर लें, फिर आप जो निकलेंगे बाजारों में और जब अपने खेतों में, अपने जो है मुर्गजारों में, इंशाल्लाह कोई माई का लाल जो नफ्स व शैतान आपके करीब नहीं आएगा। और ये नफ्स अम्मारा, क्योंकि ज़ाहिर है कि गुनाह के ऊपर जो है, क्योंकि ये नफ्स जो है अम्मारा तो बिसू, ये गुनाह की तरफ लेके जाता है, ये नेकी के उनवान से भी गुनाह की तरफ लेके जाता है, बजाय नेकी दिखाता करवाता गुनाह है, तो ये इतना ख़तरनाक। लिहाजा जब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जो इसी नफ्स का खालिक मालिक और उसका जो है पूरा निगाहबान है, तो अल्लाह खुद ही हिफाजत करेंगे, लिहाजा इसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। और दूसरा आपके शोल्डर में बाजू में दर्द, उसके लिए नोट कर लें सूरह ज़िलज़ाल की पहली दो आयतें। सूरह ज़िलज़ाल की पहली दो आयतें ये वक्फे वक्फे से 9 दफ़ा पढ़ पढ़ के दम करते रहें। आप हाथ यूँ फेरते रहें अपने बाजू पे, कंधे पे, और ये पढ़ते रहें, फौर हाथों पे दम करके हाथ फेर लिया करें, फूंक लिया करें। तो ये आप 21 डेज पाबंदी से कर लें, बहुत ज़बरदस्त मुजरब है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जो आपके जो है वो बाजू का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। आमीन।